अध्याय 13 ज्यामितीय रचनाएं, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस। परिचय, इंट्रोडक्शन। ज्यामितीय रचना करने से तात्पर्य प्रकार और रूलर की सहायता से मापकर ज्यामितीय आकृतियां बनाना है। ज्यामितीय रचना के द्वारा हम ज्यामिति की कई अवधारणाओं, संबंधों व उपपत्तियों को अनुभव कर सकते हैं और उनके बारे में सोच सकते हैं। हम उन अवधारणाओं का उपयोग कर ऐसी ज्यामितीय रचनाएं करेंगे जो हमने पढ़ी हैं। रचित करने के साथ साथ कुछ रचनाओं का विश्लेषण भी करेंगे, जिससे हम ये समझ सकेंगे कि ये रचनाएं किस तरह की जाती हैं और क्यों। इस बात को समझने के लिए हम दिए गए सवालों के अनुसार रचनाओं को बनाते समय उनके बारे में सोचेंगे और चर्चा करेंगे। गणित में तर्क, प्रमाण यानी प्रूफ आदि को ध्यान में रखकर सवाल हल किए जाते हैं। सवाल हल करना और यह देखना कि क्या कोई सवाल एक से ज़्यादा तरीके से हल किया जा सकता है, कौन सा तरीका ज़्यादा उपयुक्त और आसान है, ऐसी बातें सोचना महत्वपूर्ण है। यह सवाल करना व सोचना हमारी तार्किक और सृजनात्मक क्षमता का विकास करता है। आइए कुछ ज्यामितीय रचनाएं करते हैं। अभी तक आपने स्केल और चांदे की सहायता से निश्चित माप के रेखाखंड और कोण बनाए हैं। इस अध्याय में हम प्रकार और रूलर का उपयोग करते हुए रचना करेंगे। रूलर का रचना में उपयोग। हम जानते हैं कि किन्हीं दो बिंदुओं ए और बी दोनों से गुजरने वाली सिर्फ एक सरल रेखा खींची जा सकती है, ये अभिगृहित है। हम रूलर का उपयोग करके रेखा ए बी, रेखाखंड ए बी या किरण ए बी बना सकते हैं। प्रकार का रचना करने में उपयोग। वृत्त की परिभाषा से हम जानते हैं कि एक निश्चित बिंदु और त्रिज्या से केवल एक वृत्त बनाया जा सकता है। यहाँ हम प्रकार का उपयोग वृत्त या चाप बनाने के लिए करेंगे।